आपके बेटे वीरेन जी यहाँ आ गए हैं, तो हमें लग रहा है कि उन्हें जो है जीविका से कुछ बातें करनी है। जैसे वीरेन सीधे सीधे बोल दो ना कि तुम्हें तुम्हारी होने वाली बीवी से कुछ प्राइवेट बातें करती है, हम चले जाते हैं भाई। चलिए जा रही हूँ, फोन कर सकता हूँ तुम्हें? याद आएगी तुम्हारी, मेरी याद आएगी? मैं जीविका दी के लिए खुश तो हूँ, पर 2 हफ्ते में शादी, काश सब इतनी जल्दी ना हो रहा होता। क्या सोच रही हो? कुछ भी तो नहीं। देखिए, कहते हैं कि इंसान का चेहरा उसका आईना होता है, और उसके मन में जो बात चल रही होती है उसके चेहरे पे आ जाती है। तो बताइए क्या बात है? मैं बस ये सोच रही थी कि शादी के बाद मैं कैसे एडजस्ट करूंगी आपके साथ, आपके परिवार के साथ। मैंने हमेशा एक बहुत सीधी साधी जिंदगी जी है, और आप लोग तो देखिए, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि हमारे घर में कोई ऐसा है ही नहीं जिसके साथ आपको एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो मैं हूं ना। आप मुझसे कह देना, मैं आपकी मदद कर दूंगा, आप हर कदम पे मुझे अपने साथ पाएंगे। और कोई बात? हाँ, मेरा मतलब है नहीं। देखिए, अगर कोई बात है तो बताइए, आपका हक और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी छोटे से छोटी परेशानी को दूर करूं। बताइए क्या बात है? वीरेन जी, जितने अच्छे जीवन साथी की मैंने कामना की थी, आप उससे कहीं ज्यादा बेटर है। एक बात है मानवी के बारे में, मुझे बहुत डर लग रहा है शादी के बाद वो मेरे बिना कैसे रहेगी। बचपन से लेकर आज तक हम एक दूसरे के साए की तरह रहे हैं। मैं बस सोच रही हूँ कि मैं जानता था कि आप यही सोच रही होंगी। इतनी छोटी सी तो बात है, इसका सलूशन भी इतना सिंपल है। आप जब चाहे माननी से फोन पे बात कर सकती हैं, और हम एक काम कर सकते हैं, हम माननी को एक लैपटॉप गिफ्ट कर देंगे ताकि आप उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकती हैं, और कभी कभार हम माननी को चंडीगढ़ भी बुला लेंगे ताकि मुलाकात भी होती रहे। देखिए जीविका, अब माननी से तो आपकी बहन ने मेरी साली भी, और मैं अपनी साली को नाखुश नहीं देख सकता। ओके